दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा। जो भी देखा, जैसे भी देखा, क्या देखा, आप खुद समझते हैं। आज आपसे बात करने वाले हैं कि गए थे आज, क्या हुआ। तो भाई, कहने का मतलब ये है हमारा कि एक चना भार नहीं फोड़ सकते, यानी कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा तो हाई कोर्ट है, कोनो गांव के पंचायत के मुखिया ना आए कि लेटर लिख के दे दिए। आप सबको पता है कि बिना हाई कोर्ट जाए हुए अब छूट नहीं मिलने वाला है। मैसेज भी आया है कि सर, आवेदन चलने लगा है, अब नहीं होगा। होगा काहे नहीं, होबे करेगा। अगर आपका संख्या ज़्यादा होगा तो, मात्र हम लोग 9 आदमी हैं, आप लोग कोई बस सजेशन दे रहे हैं, फ्री के सजेशन है, दे दिया करो। अगर आप लोग चाहते हैं कि छूट लेना है तो हाई कोर्ट की तरफ रुख मोड़ें। और हमने आज ड्राफ्टिंग कर दिया। ड्राफ्टिंग क्या होता है समझाएंगे तो बड़ा वीडियो होगा, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च मार सकते हैं। जैसे हम केस लड़ रहे हैं, किस बिनाद पर लड़ रहे हैं, इसके जैसा कभी केस हुआ है कि नहीं, तो जो आप छूट मांग रहे हैं, वीडियो पूरा देखिए और सुनिए, समझ में आ जाएगा। अन्यथा हमें फ़ोन ना करिए, हमारी टीम 9 की टीम है, 9 टीम का मोबाइल नंबर स्क्रीन पर हम चढ़ा दे रहे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। खगड़िया का, आरा का, बेगूसराय का, गया का, जहानाबाद का, छपरा का, सिवान का, गोपाल, जो जो लड़के हैं जहाँ से जुड़े हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि आपके केस के लेकर के आगे बढ़ूँ या फिर 1200-1500 लड़के का कॉल उठाऊँ। तो आप इन लोगों से आप बात कर सकते हैं कि क्या करना है, ये लोग बता देंगे। अब रही बात, आज आपकी ड्राफ्टिंग हो गई, कल आपका एक एक पेपर एक एक जगह पहुँच जाएगा। तो आपको बस यही करना है, जिनको 2 साल की उम्र का छूट लेना है, जितना जल्दी हो आप हाई कोर्ट वाले केस में जुड़ जाएं तो छूट मिलेगा। क्योंकि बड़िए साहब से भी बात हुआ था, उसमें हमने CRPF का जो अभी 3 साल का छूट मिला था फॉर्म भरने के बाद, अंतिम अवस्था में, यानी कि लास्ट में 3 साल का मिला था, जो CRPF का एप्लीकेशन डाले होंगे उनको पता है। तो आप घबराए नहीं, साहब से बात हुआ था, वो बोले कि इसके बीच में आ जाएगा। अब 99% है कि छूट मिलेगा, बशर्ते कब, जब आपकी संख्या ज़्यादा होगी, हाई कोर्ट पहुँचने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तब। वरना आप घर पर रहिए, पूछते रहिए सर हाई कोर्ट में केस कर दिया जाए, जहानाबाद लखनऊ नीचे करिए, कुछ ना होने वाला है। जो होने वाला है न्यायमूर्ति न्यायाधीश साहब के द्वारा ही होने वाला है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, हाई कोर्ट की तरफ रुख करिए। हमने डाल दिया है, कल सबमिट भी हो जाएगा। आज ड्राफ्टिंग का काम खत्म हो गया है, कैसे लड़ना है, क्या करना है, इस विषय पर कौन सा केस कभी लड़ा गया है नहीं, तो झारखंड का, उत्तराखंड का, CRPF का, SSGD का, अभी उत्तर प्रदेश भी भर्ती लाने वाला, उसमें भी ऐसा संशोधन होने वाला है, आशा लगाया गया है। अगर हो गया तो बिहार में काहे नहीं मिलेगा। तो आप हमसे मत पूछे कि आगे क्या हुआ क्या गया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि लड़के ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और आप हाई कोर्ट में जो 2 वर्ष की छूट के लिए अपील की गई है, याचना की गई है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, उप मुख्यमंत्री साहब से, DGP साहब से, या फिर केंद्रीय चयन पर्षद सचिव जी से, उनके तक हमारी बात नहीं पहुंची है लेटर के द्वारा, तो कोर्ट के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। तो इसमें आप साथ देंगे, संख्या ज़्यादा होगा तो ही पहुँच पाएगा। वरना और यूट्यूबर के द्वारा, मेरा तो चैनल बड़ा नहीं, शायद उन लोगों का बड़ा है कि छूट देना चाहिए, छूट लगता है नीतीश सरकार उनका चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, उनको देखेगा कि ये बोलेंगे हम दे देंगे। अब क्या करना है आप लोग को, खुद समझदार हैं, उम्र बीत गया है पुलिस का, तो आप हमारे साथ जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, कि हमें ताकत मिले, ऊर्जा मिले तो लड़ पाए। नहीं तो 9 लड़का क्या करेगा, वो अभी थक के छोड़ देगा। भैया हाई कोर्ट है ना ही आपके गाँव का ग्राम पंचायत है। तो जय हिंद, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।